नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, वर्तमान समय में एक ज्वलंत समस्या है। हम मुनि महाराज के समक्ष संकल्प एवं घोषणा तो करवा देते हैं, पर कमेटी के सदस्य भी गुरु आज्ञा को स्वीकार कर लेते हैं, जिसमें पदाधिकारी भी शामिल होते हैं, पर मुनि श्री के गमन बिहार करते ही वो शपथ वीर और घोषणा वीर अपनी अपनी शर्तों को एक दूसरे पर थोपते हैं और मुनि श्री के सामने किए गए संकल्पों के विरुद्ध ही दिखाई देते हैं, जिससे पूर्व और बाद की स्थिति में विरोधाभास होता है और कार्य बाधित होता है और सामान्य जन उनकी तरफ देखकर असमंजस होता है कि यह कार्य कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा और अन्य समस्याओं का जन्म होता है। हे गुरुवर, आपसे निवेदन है कि इस कृत्य में दिशा बोध कराकर घोषणा वीर और शपथ वीर को सामंजस्य कैसे स्थापित करें और कार्य गति में प्रारंभ हो सके। देखिए, बहुत ज्वलंत बात उठाई है। गुरुओं के सानिध्य और समागम पाने के समय हमारे भाव अलग होते हैं और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का संकल्प लेता है तो संकल्प को वज्र संकल्प बनाना चाहिए और उसे पूरी तत्परता से पूर्ण करना चाहिए। खासकर इसमें दो तरह की बातें दिख रही है, एक वे जो कार्य करता है, दूसरे वे जो दान दाता है। जी, कार्यकर्ता शपथ वीर हो जाता है और दान दाता घोषणा वीर बन जाता है। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ करती है। जी, कार्यकर्ता अगर कोई शपथ लेता है, कोई दायित्व स्वीकारता है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने दायित्व को अच्छे से परिपूर्ण करे और दान दाता या समाज के बीच जो बात कही गई है उसे शत प्रतिशत सही करे। हाँ, कई बार प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार निर्णय बदलने भी पड़ते हैं, तो यदि किसी परिस्थितिवश किसी निर्णय में परिवर्तन करना पड़ता है तो उस निर्णय की सूचना संबंधित व्यक्ति को जरूर दिया जाए, उन्हें विश्वास में लेकर काम किया जाए। कई बार होता है लोग बोल देते हैं, समाज से कुछ कहते हैं और करते कुछ है, वो गलत है। यदि आपने कोई जवाबदारी ली है तो उस जवाबदारी का दृढ़ता से निर्वाह करें, ईमानदारी से निर्वाह करें, और यदि आप उसमें अपने आप को अक्षम पाते हैं तो हाथ जोड़ लें और कहें ये मैं नहीं कर सकता। लोग हैं जो इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं लेकिन उसको पूर्ण नहीं करते, ये उचित बात नहीं है और इससे समाज का विश्वास खंडित होता है। दूसरी बात, आपने अगर दान बोला है, घोषित किया है, तो घोषणा वीर मत बनो, उदारता से उसे चुकाओ। कई जगह, बल्कि सभी जगह, मैं जब इधर देख रहा हूँ तो जो आपकी फाइनेंस की व्यवस्था देखने वाले लोग हैं ना, वित्त समिति, वो सोच रहे आज तो हमारे मन की बात हो गई। इन्होंने दोनों तरफ की बात की, कमेटी में शिथिलता नहीं होनी चाहिए और दातारों में प्रमाद नहीं होना चाहिए। आप जितनी उदारता से दान बोलते हो उतनी ही तत्परता से अपना द्रव्य चुकाने का भाव रखो। किसी भी दातार को इस बात की तो प्रतीक्षा ही नहीं होनी चाहिए कि कोई हमसे मांगेगा तब देंगे। अगर आपने कहीं कोई बात कही है तो इसे अपना पहला कर्तव्य मानना चाहिए कि मुझे जाते ही इसको पूरा करना है। देने वाले को चिंता होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे दातार हैं,
जो कहते उल्टा भैया मेरा अकाउंट में क्या बैलेंस है बताओ, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इंटरेस्ट जोड़ करके भी चुकाते हैं, ये उत्तम दाता की पहचान है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोल जाते हैं देते नहीं, बोलते ही हैं। कई हैं जिनके देश की कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी राशियां बोली भी होगी पर खाता भी नहीं खुला होगा। यहां पर भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अभी 10-10 बरस हो गए, 12-12 बरस, क्यों 12 साल तो हो गए, 2008 तक का है ना, 2008 से बोले हुए लोग 14 बरस हो गए खाता नहीं खुला। ऐसे लोग अपने भावी जीवन को भिखारी बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वे दरिद्र बनेंगे, दीनहीन बनेंगे। अरे जब तुमने बोला है तो तुम्हें देना चाहिए, और देना नहीं था तो बोला क्यों। मैं उन लोगों की बात नहीं करता क्योंकि मेरे पास तो जो भी कमिटमेंट होता है मैं लोगों से बोलता हूँ, या तो तुरंत दो और नहीं तो कंडीशन लगाओ। जिनकी परिस्थितियाँ बिगड़ गई वे अपनी परिस्थिति को सुधारने की प्रार्थना करें और अनुमोदना करें, लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल रहने के बाद भी जो नहीं दे रहे हैं वे महान पाप के भागी हैं। कहीं तो ये बताए कि महाराज आपका चौमासे का कलश भी घर ले गए और 13 बरस हो गए अभी तक एक पैसा नहीं, अब बताओ ऐसे पापियों का क्या होगा। महान पापी लोग और समाज में प्रथम पंक्ति में रहने वाले लोग, वे अपने साथ बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि मैं कितने बड़े पाप का भागीदार बन रहा हूं। ये दान है, कोई टैक्स नहीं। दान उदारता से दिया जाता है, हम कहीं भी दान बोले तुरंत दे, और जितना समय ले उतने समय में देने की कोशिश करें तो आपका दान सफल होगा। बहुत जगह ऐसा ही होता है, बोलने को लोग बोल देते हैं, माला पहन लेते हैं लेकिन एक पाई नहीं देते। आज अभी कमेटी वालों से पूछोगे तो चिट्ठा खोलेंगे आप लोगों का, लेकिन ये स्थितियां हैं। इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करवा ली और एक छदाम नहीं, कई शिरोमणि कहलाते हैं, शिरोमणि, और कहा महाराज अभी शुरुआत भी नहीं है, मुझे लगता है परलोक जाकर के देने की तैयारी होगी। क्या है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारा उद्धार चाहता हूं। ऐसा करने वाले अनचाहे में कितने बड़े पाप के भागी हो रहे हैं उनको उसका पता नहीं है। ये देव द्रव्य का उपभोग है, ये निर्माल्य का भोग है। अगर तुमने देव गुरु धर्म के निमित्त कोई धन संकल्पित कर लिया तो उसी दिन से वो देव द्रव्य बन गया, और ऐसे देव द्रव्य का उपभोग करने वाले महान पाप के भागी होते हैं। कहा जाता है जिन धार पैथा जिन पूजा बंदन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। पुत कलत विदुरो दारिद्रो पंगु मूक वहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब भरो। जिन उधार का पदार्थ जिनेन्द्र भगवान के पूजन बंदन आदि के निमित्त अर्पित जो विशेष धन है, यानी जो कुछ भी देव द्रव्य है, इसका जो भोग करता है वो नरक गति में दीर्घ काल तक दुखों को भोगता है। वहां से कभी निकल कर आया
तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहरा होगा, अंधा होगा, अनेक कुएनियों में भ्रमेगा। कौन? जिन पूजादि दब हरो। इसलिए जीवन में ऐसा कभी मत करना। कई बार ऐसा भी होता है, लोग बोल जाते हैं बाद में भूल जाते हैं, आशय तो है देने का पर याद नहीं। और बड़े बड़े आयोजनों में तो अक्सर ऐसा होता है, बोलियां बोलते हैं, एंट्री कुछ है नहीं, नाम लिख दिया पुष्पेन जैन। अब पुष्पेन जैन हिंदुस्तान का है कि पाकिस्तान का, कोई जानता ही नहीं। अब कोई एंट्री नहीं, ना कांटेक्ट नंबर, ना कुछ, वो घर जाके भूल गया और आयोजकों के पास कोई संपर्क नहीं, वो अब क्या करे। तो अनपेक्षित पाप का भागी बनता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह देता हूँ, कहीं दान बोलो तुरंत दो, तुरंत नहीं देना है तो तुरंत जाके ऑफिस में लिखवाओ अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर और उनसे कहो भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे एक रिमाइंडर दे देना ताकि मैं आपका पैसा, आपकी राशि तय समय में चुका सकूँ। और कोई तुम्हें रिमाइंड करे ना तो उसे आभार मानना, बुरा मत मानना। कई लोग ऐसे बोल लेते हैं, माला पहन लेते हैं और बाद में उनसे बोला क्या भाग जाएंगे, क्या दे देंगे, हमको फ़ोन क्यों करते हो, क्यों है ना। सुदर्शन जी कहाँ हैं, उनके पास आप लोगों का चिट्ठा है। कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ प्रमाद नहीं। कभी भी दान बोलो तो अपनी उस समय की परिस्थिति को देखकर बोलो और उसका एक असेसमेंट करके देखो कि मेरी वर्तमान पोजीशन के अनुसार मैं कितनी कालावधि में ये दान चुका सकता हूँ। उसके भीतर आप संकल्प लो कि मेरी आज जैसी पोजीशन रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस कालावधि में अपनी दान राशि मैं दूंगा। उससे बाहर कमिटमेंट मत करना। और जो कमिटमेंट कर दिया उसे चुकाने में ढील मत करना, तब आगे बढ़ोगे और तभी फलोगे, अन्यथा अटक करके रह जाओगे, भटक कर रह जाओगे। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो हर जगह दान बोलता है, वह बोलता है, करता कुछ नहीं, लेकिन आपको क्या बताऊँ। एक दिन उसके बेटे ने मुझसे कहा, महाराज जी घर की हालत बहुत ख़राब है, जो कभी करोड़ों का मालिक था आज करोड़ों के कर्जे में है, गांव को नहीं मालूम, महाराज कोई उपाय बताइए। मैंने कहा कि भाई तेरे पापा ने अभी दान के बहुत राशियां बोली, उसका क्या हुआ। बोले महाराज कहीं दिया ही नहीं, केवल बोलते हैं, देते नहीं, हम लोग मना भी करते, उनकी आदत है, अभी भी कहो आ जाए आपके पास तो बोल देंगे। मैंने कहा अपने पिता से जाकर के कहो कि पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो तभी तुम क्लियर होगे, नहीं तो उलझ करके रह जाओगे। वो अपने पिता को लेकर मेरे पास आया, मैंने समझाया, उसको बात जमी। आप देखिए व्यक्ति का भाव बदलता है तो क्या होता है। उस आदमी ने एक अपनी एक बड़ी प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी बेच करके सबसे पहले जो जहाँ चुकाना था वो चुका दिया, जितना बना उतना चुकाया। और एक ऐसा शेयर उसके पास पड़ा था जिसकी बर्थ ही ख़त्म थी, वो सोच रहा था ये तो डिलीस्ट होने वाली है, फिर उदय आ गया और वो शेयर काफ़ी ऊँचे दाम पर चल गया, आदमी खड़ा हो गया। थोड़े परिवर्तन से बड़ा बदलाव असंभव नहीं है, पल में होता है। इसलिए अंतराय से बचना चाहते हो तो इसका जरूर ध्यान रखो, अन्यथा आत्मा के साथ घोर नाइंसाफी होगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बहुत सारे प्रकरण हैं, प्रसंग हैं, अगर मैं इन पर बोलूं तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसे ऐसे प्रसंग मेरे सामने हैं। पर मैं समझता हूँ आप लोग समझदार हो और समझदार को इशारा ही काफ़ी है। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त।